मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। केमती अच्छा आपण समस्ते आशा करूची समस्ते भल भाव थे आ डेडिकेटेडली एग्जाम्स पाई प्रिपरेशंस करूथुवे। वी आर स्टडींग फ्लूइड मेकानिक्स। ओके, तो फ्लूइड मेकानिक्स आमे पढुछु। फ्लूइड मेकानिक्स रे काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर थिला, तो काली राति रे जो लाइव क्लास हेथिला, ओके, जो केस 4 मु बतेबी कहितली आर कांसेप्ट ये वीडियो थ्रू रु मु डिस्कस करूची। ओके, तो सुनिबे भल से। वेल, वीडियो आगु को कंटिन्यू करिया पूर्व रु कहूची आपण मान समस्त को जणाई देवा को चाहूची स्पेशल 2 डे डिस्काउंट। स्पेशल 2 डे डिस्काउंट एक्टिव हे जाईची। 2 डे डिस्काउंट एक्टिव हे जाईची, आपण यूज करिवे। स्पेशल 2 डे डिस्काउंट ऐप ऊपर नोटिफिकेशन मैसेज समस्त को जाई थिवो। 700 रुपीस ऑफ अछि। आरएस 700 रुपीस ऑफ। ओके, आरएस 700 रुपीस ऑफ अछि। एमिति नाही कि डिस्काउंट आउ आसीओनी 26 जनवरी पाई भी आसीओ, बट जते जल्दी हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करिया हम बुझी पारछ आपण मान समस्त डिस्काउंट पाई वेट करूथले। ठीक अछि भाई बहनी माने, तो जो भी न्यू डाउनलोड करितले 3 जनवरी रे हमर न्यू ईयर ऑफर दा सरी जाइतिला, तो दिस इज द डिस्काउंट अवेलेबल। यू कैन जॉइन अस। ओके, कूपन कोड इज सिंपली OSSC JE 700। ओके, दिस इज द कूपन कोड। आपन को मैसेज जाइथिबो। ओके, आपन डाउनलोड करिवे। अच्छा, आ गुटे जिंसो, दिस पर्टिकुलर ऑफर इज ओनली फॉर 25 स्टूडेंट। जाइरु काली ही लॉन्च हेतिला, 7-8 जण ऑलरेडी जॉइन करि सारी छंती। ओके, सो यूज करंतु आउ ये काली एंड हे जिवो। ओके, दिस पर्टिकुलर 25 मेंबर्स और डिस्काउंट स्पेशल डिस्काउंट टुडे काली एंड हे जिवो, तो आपन मान समस्त जॉइन करंतु। आउथरा आसीओ 26 जनवरी पई। 26 जनवरी केंती आसीओनी ऑफर तो आसीओ, बट जते जल्दी हम स्टार्ट करिया सते भलो। टेक्निकल नॉन टेक्निकल एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर क्लासेस। ओके, वेलकम। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। देखंतु सुनंतु एक्सेलरेशन विषय रे मु पढौथिले। ओके, तो एबे एक्सेलरेशन माने कोन? वेलोसिटी रो चेंज। ओके, एक्सेलरेशन मींस ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। एबे सुनंतु देखंतु जदी वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड चेंज होउछ। सुनिबे, वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड चेंज होउछ, ता जुगु जो एक्सेलरेशन डेवलप हेबो ताको हम कहिबा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वर्ड जाको मन रखिबे। ओके, बहुत इंपोर्टेंट। जदी वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड चेंज होउची ता जोगो जो एक्सेलरेशन डेवलप हेबो ताको हमें कहिवा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जदी वेलोसिटी रो डायरेक्शन चेंज होउची, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, आ जोगो जो एक्सेलरेशन डेवलप हेबो, ओके, आको हमें कहिवा नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन बुझिले कि कोन? मु लिखैली एक्सेलरेशन रे एबे गुडे नुवा कांसेप्ट मु ऐड करिली एठी। एबे जे आपण कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और एडवेक्टिव एक्सेलरेशन, लोकल एक्सेलरेशन और टेम्पोरल एक्सेलरेशन कोन, ये जिंसोटा बुझिथिले। हेड वेरी करिवो कि हेड कांस्टेंट रहिवो तो कोन हेबो, ये सब जिंसो काली ही लाइव क्लास रे बतैथिले इवनिंग रे। तो ये सब कांसेप्ट आपण को जणा। ये इक्वेशन मु गुडे डेवलप करि देइथिली v = √2gh। ओके, तो ये सब जिंसो आपण को जणा अछि। एबे एक्सेलरेशन रो न्यू कांसेप्टटा देखंतु। ओके, आइ रही न्यू किछि दुईटा वर्ड आसिला कोन? एक्सेलरेशन जदी वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड चेंज होउची ता जुगु एक्सेलरेशन, देन ताको हमें कहिबा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जदी वेलोसिटी रो डायरेक्शन चेंज होउची आ ता जुगु जदी एक्सेलरेशन अछि तो ताको हमें कहिबा कोन? नॉर्मल एक्सेलरेशन। बुझा जाउची? बुझा गला कि? एबे सुनंतु आको हमें यूज कुठी करिवा। एटा तो थ्योरी हे गेला, वर्ड मु आपन को बतै देली। एबे यूज कुठी करिवा सुनंतु। फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन माने कोन? लेट्स सपोज कि गोटे फ्लूइड पार्टिकल अछि। ओके, हमें फ्लो एनालिसिस करूछु ना। गोटे फ्लूइड पार्टिकल अछि। ओके, आई हैव ए फ्लूइड पार्टिकल आर गोटे वेलोसिटी अछि। लेट्स सपोज ये जो भी वेलोसिटी अछि ये चेंज भी हे पारे न भी हे पारे, बट किछि गोटे वेलोसिटी रो ये फ्लो करूछि। तो ये जो फ्लो करूची आगो को बही चलुची ये स्ट्रेट लाइन रे बहुची ना स्ट्रेट लाइन रे जाउची ओके इट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन तो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन मोशन तो एबे देखंतु ये जदी ये स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करूची फर्स्ट पॉइंट मते कहंतु कोन ये फ्लूइड पार्टिकल रो डायरेक्शन चेंज होउची माने नाही ये तो सीधा ये डायरेक्शन रे गला डायरेक्शन चेंज हबाटा माने कोन एम्ति ये जगह रछि तापर एठी आसला माने एठी ये डायरेक्शन रे थिला एठी ये डायरेक्शन रछि ओके मींस डायरेक्शन चेंज हला यस और नॉट अच्छा सॉरी एठी ये डायरेक्शन रे थिला एबे ये पट आसला माने ये डायरेक्शन रे आसी होला तापर आउट के एम्ति आसीओ माने ये डायरेक्शन रे आसी जीवो तो जदी कर्व रे गुटे बॉडी टा मूव करिवो ओके कर्विलिनियर मोशन जदी थिवो ताले डायरेक्शन चेंज हेबो बट इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन ये वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड पार्टिकल आरो कोनो डायरेक्शन चेंज होउची की चेंज होउनी नो चेंज इन डायरेक्शन No change in direction. Simply बुझिए, okay? जति कि बुझाउसी से हिसाब रे बुझिए, से हिसाब रे मन रखिवे, एग्जाम रे पचारिवो तो आंसर करि परिवे. Since straight line motion रे ये fluid particle रो velocity रो direction change होउनी तो हमें कोन कहिबा देखंतु डायरेक्शन रे चेंज हेबा जुगो जो एक्सेलरेशन थिला से एक्सेलरेशन मु कोन बतैथिले नॉर्मल एक्सेलरेशन सो नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिखि दियंतु वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जदी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रे किछि भी चेंज नाही आ स्ट्रेट लाइन मोशन रे पार्टिकल टा मूव करूची आ माने कोन हैला कि नो नॉर्मल एक्सेलरेशन लिखंतु सो इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन देयर विल बी नो नॉर्मल एक्सेलरेशन बट एबे सुनंतु सेकंड पॉइंट आइ रही ऐड करियो अच्छा आकु 1 लेखिली तो आकु ए लेखि नियंतु ए ए तो स्ट्रेट लाइन मोशन रे पार्टिकल सीधा मूव करूथवा से पार्टिकल रो जो डायरेक्शन अछि सेटा चेंज होउनी माने वेलोसिटी रो डायरेक्शन चेंज होउनी सो वेलोसिटी रो डायरेक्शन चेंज हेबा जुगु जो एक्सेलरेशन ताकु हमें कहउछु नॉर्मल एक्सेलरेशन तो सिंस ये केस रे वेलोसिटी रो डायरेक्शन चेंज होउनी सो किछि भी नॉर्मल एक्सेलरेशन रहिबो नाही क्लियर क्लियर एबे सुनंतु नेक्स्ट आगु को बढ़िबा कोन बढ़िबा देखंतु ये स्ट्रेट लाइन मोशन रे हेई पारे एम्ति हेई पारे कि आरो वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड माने लेट्स सपोज ये पार्टिकल एठी रो एति की जाई 2 मीटर पर सेकंड रो फ्लो करिला आ पारे किछि जिंसो एनर्जी बेसी पाइला कि किछि जिंसो हैला कि एठी रो एठी स्ट्रेट लाइन रा का मूव करूची बट वेलोसिटी टिके इंक्रीज हेई पारे 3 मीटर हेई गेला कि मे बी आउरेज चेंज हेई पारे डिक्रीज हेई पारे 1.5 मीटर हेई गेला तो ये जिंसोटा हेई पारे माने कोन वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड में चेंज यस और नॉट तो स्ट्रेट लाइन मोशन रे एमिति किछि नाही कि वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड चेंज हेबोनी इट मे बी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपन को जणा आ से चेंज केमते हेबो हमको जणा v = √2gh ये इक्वेशन थिला तो वेलोसिटी डिपेंड ऑन हेड तो जदी हेड कांस्टेंट तो वेलोसिटी चेंज हेबोनी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये सब खाली बुझितली जदी हेड वेरिएबल तो वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड ता चेंज ही पारे यस और नॉट तो एटी मैग्नीट्यूड चेंज ही पारे हमको जणा तो बी पॉइंट लिखंतु स्ट्रेट लाइन मोशन रे ओके द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन चेंज जदी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हे परिवो त माने मैग्नीट्यूड रू को वेलोसिटी को एक्सेलरेशन एसोसिएटेड थिला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सो इन स्ट्रेट लाइन मोशन ए पार्टिकल विल हैव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बुझलेगी Okay, getting the point. So this is your straight line motion concept. अच्छा, आइर आउ गुटे पॉइंट हम ऐड करि परिबा. देखंतु, the magnitude of velocity can change. जदी चेंज हबो, ताहेले tangential acceleration रहिबो. But see if एम्ति लिखंतु, if the magnitude of velocity do not change एमती भी हे पारे माने कांस्टेंट वेलोसिटी रू से पार्टिकल दा फ्लो होउची इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज जदि चेंज होनी तो नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बुझागला एबे बुझी पारुथिबे नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक अछि, माने स्ट्रेट लाइन मोशन रे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रही पारे और इट मे नॉट बी प्रेजेंट। ये डिपेंड करिया का ऊपर ये जो वेलोसिटी अछि तार मैग्नीट्यूड ता चेंज होउछि ना होउनी। बट जदि हमें कहिबा नॉर्मल एक्सेलरेशन विषय रे इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन रे नॉर्मल एक्सेलरेशन केबे भी रहिबानी। कोन पे बोले स्ट्रेट लाइन मींस स्ट्रेट लाइन गोटे ही डायरेक्शन रे से पार्टिकल टा मूव करी चालुछि तो इटा तो हमें फिक्स हे गेलु कि नॉर्मल एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन मोशन रे एग्जिस्ट करे नाही। क्लियर? हाँ, टेंजेंशियल टा हेई पारे केबे जदि मैग्नीट्यूड चेंज होउछि, न हेई पारे केबे जदि मैग्नीट्यूड टा चेंज होउनी कारो वेलोसिटी रो, का को वेलोसिटी पार्टिकल रो वेलोसिटी रो। ओके, नेक्स्ट कर्वीलिनियर मोशन सेकंड माने गोटे पार्टिकल टा गोटे कर्व रे मूव करूची। लेट्स सपोज माने जो फ्लूइड पार्टिकल अछि, लेट्स सपोज ये फ्लूइड पार्टिकल अछि, ये आर पोजीशन एबे एठी तापर किछि पर एठी किछि पर एठी किछि पर एठी माने ये अलोंग द कर्व गोटे वेलोसिटी सहित मूव करूची। तो देखंतु जेमिति जेमिति से आगु को जाउची एठी वेलोसिटी रो डायरेक्शन अछि इडा, एठी वेलोसिटी रो डायरेक्शन एगला इडा, एठी वेलोसिटी रो डायरेक्शन एगला इडा, एठी वेलोसिटी रो डायरेक्शन एगला इडा। सो एज द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द कर्व डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फर्स्ट पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हेबाटा तो कंफर्म वेलोसिटी इज चेंजिंग एटा तो कंफर्म ना। तो जदि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होची माने कर्वीलिनियर मोशन रे जतोड पार्टिकल उडे कर्व को नेगोशिएट करूची तार ऊपर चालूची अलोंग द कर्व फ्लो करूची तो तार वेलोसिटी रो डायरेक्शन चेंज हेबाटा कंफर्म। जदि वेलोसिटी रो डायरेक्शन चेंज होची कंफर्म तो हमें एटा कहियो ना कि always there will be normal acceleration, there will be normal acceleration exist करू थु। कौन पे बोले velocity रो direction, let's say एठी velocity अछि v, एठी velocity अछि v, एठी velocity अछि v, एठी velocity अछि v, तो velocity रो direction along the curve change ही जाउछ तो always there will be normal acceleration बुझा जाउची। हम एम्ति लिखि परिबा। एबे सुनंतु along the curve मूव करिला बेले when the particle is moving along the curve ये जो वेलोसिटी अछि ना आरो मैग्नीट्यूड ऊपर जदि हमें कथा हेबा इफ वी टॉक ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी तो आरो मैग्नीट्यूड को नहीं पारे फर्स्ट मे बी कांस्टेंट आरो मैग्नीट्यूड मे बी कांस्टेंट सेकंड मे नॉट बी कांस्टेंट गेटिंग द पॉइंट। तो हमें लिखिबा मैग्नीट्यूड गुड मिनट मैग्नीट्यूड फर्स्ट इफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एमते लिखो इफ कांस्टेंट तो नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। No tangential acceleration. Second, if not constant माने मैग्नीट्यूड टा चेंज होउची वेलोसिटी रो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट माने जीरो है बोनी। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट लेकिन यंतु खतरे एग्जिस्ट ये सब होउची किसी किसी इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक अछि, एबे ये जो कांसेप्ट गुडा को मु आपन को बतैली आकु यूज करी प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करिवा। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनंतु जो काली रो क्लास रे मु देखैथिली फोटोटा सुनंतु केस गुडे केस। ठीक अछि, लेट्स सपोज वी हैव ए टैंक हम पाखरे गुडे टैंकी अछि। अच्छा सुनंतु आम पाखरे गोटे टैंकी अछि किसी ना शुणु फर्स्ट ये टैंकी रे कौन है ना गोटे कर्विलिनियर माने कर्व वाली गोटे पाइप फिट होकर अच्छी बट ये जो पाइप अच्छी इडा दिस पर्टिकुलर पाइप इज ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। ये जो पाइप अच्छी ना दिस डायमीटर ऑफ दिस पाइप इज यूनिफॉर्म। दिस इज यूनिफॉर्म डाया पाइप। यूनिफॉर्म डाया पाइप ठीक अच्छी। ये जो टैंक अच्छी ये टैंक रे लेट्स सपोज एट एनी पर्टिकुलर टाइम जो हेड थिला हेड ऑफ वाटर अबव द सेंटर लाइन ऑफ पाइप ये पाइप रो सेंटर लाइन ऑफ पाइप ऊपर जो हाइट ऑफ वाटर थिला ये टैंक रे लेट्स सपोज ये हाइट थिला h। तो एबे हमको जणा कांसेप्ट काली बुझे थिले कि को कंडीशन करस्पोंडिंग हम एनालिसिस करिवा मे बी दिस पर्टिकुलर हाइट और हेड विल कांस्टेंट ओके माने ये जो हेड ऑफ वाटर अच्छी h h माने कौन हेड ऑफ वाटर इटा कांस्टेंट ही पारे और वेरिएबल ही पारे। तो ये दुईटा कंडीशन एठू जनरेट हवा कि हेड ऑफ वाटर इन टैंक इज कांस्टेंट और मे बी वेरिएबल। तो ये दुईटा कंडीशन ही पारे ठीक अछि। अबे देखंतु दिस पर्टिकुलर पाइप इज कर्व ओके ये पाइप बेंड नहीं कर अछि कर्व ही कर अछि बट यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप माने लेट्स सपोज कि मु किछि सेक्शन देखौछि एठी जदी मु गुटे सेक्शन कंसीडर करिवि लेट्स सपोज एट एंट्री सेक्शन 1 और एठी जो सेक्शन मु देखुजी लेट्स सपोज सेक्शन 2 तो एठी जो डायमीटर अछि d1 एठी भी जो डायमीटर अछि d2 तो d1 इज इक्वल टू d2 यूनिफॉर्म डाया पाइप माने इडा ही मींस d1 इक्वल टू d2। तापरे देखंतु सबटु फर्स्ट हमकु फाइंड आउट करिया को पड़ियो कि ये फ्लो कोन देखंतु फर्स्ट हमें देखिबा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एबे जो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल रो कांसेप्ट बतैली नी कि एबे एमती लिखिया रे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन रे दुईटा पार्ट कन्वेक्टिव टेंजेंशियल तापरे कन्वेक्टिव नॉर्मल। सुनंतु कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भीतर दुईटा पार्ट कन्वेक्टिव टेंजेंशियल कन्वेक्टिव नॉर्मल। कन्वेक्टिव टेंजेंशियल माने ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। कन्वेक्टिव नॉर्मल माने ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओके। चेक करिवा लेखन तो एतकी जाय ओके। तो एबे मुंडो खटेवार अछि गुरु ओके एबे आसंतु मुंडो पूरा जो माइंड अछि पूरा यूज हबो। सुनंतु ये कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन माने कोन जदी विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस हमें देखु छु ना विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस माने ये जो पाइप अच्छी ये कर्व टाइप रो ये कर्व वाला पाइप जो कि ऑफ कांस्टेंट डायमीटर अच्छी हां इटा कर्व अच्छी बट दिस पर्टिकुलर पाइप इज ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर माने एठी जो डायमीटर अच्छी एठी भी सेम डायमीटर सेम मु कहितले डिस्चार्ज कांस्टेंट माने q जते एंटर करिवो q सेते ही भारीवो फ्लूइड मैकेनिक्स रे इटा होची कांसेप्ट। तो q इक्वल टू कोन एरिया इनटू वेलोसिटी। तो लेट्स सपोज वेलोसिटी ऑफ फ्लो एठी v1 वेलोसिटी ऑफ फ्लो ये जगह रे v2 लेट्स सपोज आरो मैग्नीट्यूड ऊपर जदी हम कथा हेबा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो एठी v1 वेलोसिटी ऑफ फ्लो एठी v2 लेट्स सपोज दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज योर सेक्शन 2। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन एरिया तो सेम हेबा दुईटा जगह रे क्रॉस सेक्शन एरिया तो एरिया जदी सेम तो a * v1 अब एटा हेगला कोन एठी q a * v2 तो q इज कांस्टेंट ओके q इज कांस्टेंट डिस्चार्ज कांस्टेंट माने जति की वाटर एंटर करिवा सेति ही भारी ओके जति की एंटर करूथुवा सिस्टम भितरे ताप सेपोर्ट सेते भारुथुवा तो q जदी कांस्टेंट तो a * v1 मस्ट बी इक्वल टू a * v2 a कैंसिल आउट हेला कोन पाबले सेम एरिया ना क्रॉस सेक्शन एरिया जदी हम कैलकुलेट करियो एठी भी π/4d2 एठी भी π/4d2 तो a सेम तो v1 विल बी इक्वल टू v2 माने एठी जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो अछि सेक्शन 1 रे एट से ओके सेक्शन 2 रे भी एट सेम टाइम सेम वेलोसिटी ऑफ फ्लो रही माने मैग्निट्यूड टा सेम रही यस आर नॉट मैग्निट्यूड टा सेम रही माने आपण 1 और 2 मझे को जगह रे भी एठी देखंतु 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 को जगह रे भी ये पाइप भीतर तो सब जगह पानी थियो तो को भी फ्लूइड पार्टिकल को उठे नियंतु लेट्स सपोज एथ्रो पार्टिकल को उठे नियंतु एथ्रो कोटा भी को गुटे पार्टिकल को बुझेबा पे बुझौची उठे नियंतु समस्त रो वेलोसिटी कांस्टेंट रही थियो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट इज इन दिस पर्टिकुलर केस ये केस रे फर्स्ट पॉइंट हम लिखि परिवा फर्स्ट पॉइंट कि नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी at any instant of time with respect to space ये स्पेस माने आकाश नहीं ये स्पेस माने ये जगहटा ये पाइप 1 माने पाइप रे पॉइंट 1 रो नेकर पॉइंट 2 जो लेंथ अछि ये स्पेस ये जगह ओके तो ये विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस किछि भी वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड चेंज होउनी जदी वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड चेंज न होला तो देखंतु एठी देखंतु कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन रे मु दुईटा पार्ट बतैछि कोण जत रे कर्वीलिनियर मोशन रहइबो तो ये कांसेप्ट हम अप्लाई करिया कोण फर्स्ट जदी मैग्नीट्यूड रे चेंज हबो एबे हम कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन देखुछु तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन रे जदी मैग्नीट्यूड रे चेंज हला तो टेंजेंशियल तो बट ये केस रे हम एबे प्रूफ करिलु ना कि मैग्नीट्यूड रे चेंज होउनी मींस फर्स्ट पॉइंट एटा ही लिखलु नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस आ माने कोण कन्वेक्टिव भितरे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अछि दैट इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड दिस विल बी जीरो आपको वेरीफाई करिया पे हम को इक्वेशन यूज करिलो कंटिन्यूटी इक्वेशन ठीक अछि a1 v1 = a2 v2 ये इक्वेशन को यूज करी ये जिनसटा को प्रूफ करिलो गेटिंग द पॉइंट सुनंत नेक्स्ट नॉर्मल नाउ नॉर्मल एक्सेलरेशन तो कन्वेक्टिव भीतर नॉर्मल टा रहिबो ना रहिबो नि ये केस रे आपको वेरीफाई करिवा तो सुनंत देखंतु सुनिबे जेमती कि ये पाइप भितरे किछि किछि सेक्शन आपण नियंतु ये गुडे सेक्शन मु नेली लेट्स सपोज गोटे मिनिट एडा गुडे सेक्शन नेली डिफरेंट सेक्शन मु नै जाउछि एबे देखंतु ये पाइप रो सेंटर लाइन को देखंतु ओके ये पाइप रो सेंटर लाइन को देखिबे हां वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम माने 10 टा को देखु जंती तो सब सेक्शन में 10 टा को ही देखंतु ओके मींस एट ऑल सेक्शन माने एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम ठीक अछि गोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम रे जदी हम देखिबा तो ये सेंटर लाइन रे एठी जो पार्टिकल थियो आर वेलोसिटी रे डायरेक्शन एठी जो पार्टिकल थियो आउट के बेंड हेतिवो एठी आउट ये पोट आसथुवो और एठी जो पार्टिकल थियो आर डायरेक्शन आउट के चेंज हेतिवो हां बट मैग्नीट्यूड समस्त रो सेम रहइबो माने एठी भी तो आर भी मैग्नीट्यूड भी आर भी मैग्नीट्यूड भी आर भी मैग्नीट्यूड भी आर भी मैग्नीट्यूड भी ओके अब जो एग्जिट करिला बेले गुड मिनट लेट्स सपोज ये जो एग्जिट करू जी एठु लास्ट रू एठी डायरेक्शन आउरी टिके एमती हेगला तो आर भी मैग्नीट्यूड भी लेट्स सपोज आर भी मैग्नीट्यूड भी ठीक अछि समस्त रो मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन टा चेंज हे जाउची ना माने एमती एंट्री डायरेक्शन चेंज होउची केमती होउची देखंतु सेंटर लाइन अलोंग जदी मु देखिबी तो एंट्री हला आउट टिक क्या को गोला तो ये पोटे आउट टिक क्या को गोला तो जेमते जेमते बेंड हे जाउछ तार डायरेक्शन चेंज हे जाउछ ना तापर एमती तापर एग्जिट कर दला लेट्स सपोज तो वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड सेम माने एठी भी वेलोसिटी v मैग्नीट्यूड वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड v वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड v वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड v वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड v बट इट्स अ डायरेक्शन इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग अलोंग द स्पेस सो को जिनसर वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस जदी हमें देखिबा सेटा कन्वेक्टिव विथ रासिबो तो एठी हमें डायरेक्शन रो वेरिएशन देखुछु विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस जो कि होउची तो कन्वेक्टिव बट मैग्नीट्यूड चेंज होउनी सो जदी मु पचारीबी कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन दैट इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो एटा नॉट इक्वल टू 0 इट विल एग्जिस्ट यस और नॉट ठीक अच्छे तो ये डायग्राम बनइबे तापर एठी सेकंड पॉइंट लिखि दउची in this case direction of velocity is changing with respect to space that is along flow jemti flow he chalu chi taro direction change ho chi with respect to space so direction change ho chi se jogu convective normal acceleration will not equal to 0 but convective tangential acceleration that is no change in magnitude ओके कौन पाए सेटा गुटे यूनिफॉर्म फ्लो रे एग्जांपल टा तो तार मैग्नीट्यूड चेंज होनी ये जिंस हम कंटिन्यूटी इक्वेशन रो वेरीफाई करिलु सो कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी 0 बट कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 हेबनी इट विल एग्जिस्ट क्लियर एति की ठीक अछि बहुत सिंपल थिला सेमिति ही कांसेप्ट अप्लाई कर दियंतु जो कांसेप्ट बुझैतिली एबे स्टेडी अनस्टेडी केस रे माने जो हमें लोकल एक्सेलरेशन और टेंपोरल एक्सेलरेशन देखुथुलु लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन तो आई रे दुईटा केस हेबो सबटु फर्स्ट दुईटा केस को हुडा लेखुची देखंतु आपण एबे दिमाग लगि चलंतु कोइ चलिबे ऑटोमेटिकली हेड इज कांस्टेंट माने ये पानी टंकी भीतर जो हेड थिला हेड ऑफ वाटर एटा कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम नले हेड इज वेरिएबल तो फर्स्ट केस हेड इज कांस्टेंट ठीक अच्छे सेकेंड केस हेड इज वेरिएबल सुनंतु हेड इज कांस्टेंट एंड हेड इज वेरिएबल एबे देखंतु लोकल और टेंपोरल एक्सेलरेशन रे भी हमें एबे दुई टाइप रे कोइबा कोनटा सुनंतु लोकल टेंजेंशियल एंड लोकल नॉर्मल एठी भी लोकल टेंजेंशियल एंड लोकल नॉर्मल ठीक अच्छे सुनंतु लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तापरे लोकल नॉर्मल टेंजेंशियल माने मैग्नीट्यूड रे चेंज हेबा जोगु नॉर्मल माने डायरेक्शन रे चेंज हेबा जोगु ओके नाउ हेड इज वेरिएबल लोकल टेंजेंशियल and local normal or temporal normal temporal tangential ये सब जिनसो खाली बतई थिले तो को एक्सेलरेशन आइरे 0 हेबो को एक्सेलरेशन 0 हेबो नै बहुत सिंपल आप अपन इजीली कहि परिबे देखंतु हेड इज वेरिएबल और नॉट वेरिएबल रे मु बतई थिले ऑलरेडी देखंतु फर्स्ट केस बुझंतु जिनसो गुडा को लेट्स सपोज एडा होची पाइप तो आइरे जो हेड ऑफ वाटर अच्छी लेट्स सपोज हेड ऑफ वाटर इज कांस्टेंट फर्स्ट केस मु कहउची h इक्वल टू कांस्टेंट h कांस्टेंट h टा को कांस्टेंट रखिया कांस्टेंट केमति रखिया आपण तो कहबे सर एठो तो पानी बाहर को आसुची अरे जत्ते पानी बाहर को आसुची सते मु सप्लाई भी कर देबी तो h कांस्टेंट रहि जियो ओके लेट्स सपोज हेड इज कांस्टेंट तो एबे मु कोन करिवि को गुटे सेक्शन टा फिक्स करिवि let's suppose I am watching this particular section so head constant so velocity is equal to √2gh so h since h is my constant so kebe bhi dekhiwa jodi 10 ta ku dekhiwa same section re at a fixed location with respect to time abe mu jinso guda ko dekhuchi local or temporal acceleration re kon with respect to time okay I re kon with respect to time jinso guda ko dekha jibo Yes or not? ये कन्वेक्टिव और एडवेक्टिव एक्सेलरेशन रे कोन होतला आइरे जिंसो गुडा को विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस हमें देखुतलु विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस ओके आइरे लोकल और टेंपोरल रे जिंसो गुडा को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जर्व करा जीवो क्लियर तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम माने 10 टा और देखो 12 टा को ओके एमते देखंतु अलग अलग टाइम रे तो सिंस हेड इज कांस्टेंट हेड एटा चेंज होनी तो कोन वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन चेंज हे जीवो की नो तो जदि हेड कांस्टेंट अछि वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड भी चेंज हेबो नै प्लस ये पर्टिकुलर सेक्शन रे लेट्स सपोज जो भी वेलोसिटी अछि हेड कांस्टेंट अछि ये पर्टिकुलर सेक्शन में लेट्स सपोज अलोंग सेंटर लाइन पार्टिकल रो वेलोसिटी ये डायरेक्शन रे अछि 10 टा बेडा ये डायरेक्शन रे अछि 10 टा अधे रे भी तो यही ये डायरेक्शन रे रहइबो ना 12 टा रे भी तो सेम डायरेक्शन रे रहइबो एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन एट ए फिक्स लोकेशन कथा एट ए फिक्स लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जिंस गुडा का एरिया में देखु यस और नॉट तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जदी हम जिंस गुडा को देखु फर्स्ट केस हेड जदी कांस्टेंट हेगला तो वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड चेंज हेबोनी नो चेंज इन मैग्नीट्यूड नो चेंज इन मैग्नीट्यूड नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एट दैट सेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम सिमिलरली डायरेक्शन जदी हम देखिबा डायरेक्शन तो सेम फिक्स ओके से वेलोसिटी रो मैग्नीट्यूड जदी चेंज हेई भी थांता ओके तो डायरेक्शन तो सब वाला फिक्स थी रही था ना एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन जदी सेक्शन आगु को हमें जीवा सेठी डायरेक्शन चेंज ही पारे बट ये केस रे तो हमें अलगा को सेक्शन कंसीडर करू एट ए फिक्स लोकेशन इस सब जिंस हमको ऑब्जर्व करियार अछि एटा होछि टेक्निक आरो बुझाय लगी सो ये केस रे हम कोन कोइ पारिबा कि इफ हेड इज कांस्टेंट देन नो चेंज इन मैग्नीट्यूड जदी मैग्नीट्यूड चेंज होनी तो देखंतु हेड इज कांस्टेंट फर्स्ट केस नो चेंज इन मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड चेंज हवा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हेड इज कांस्टेंट नो चेंज इन मैग्नीट्यूड तो लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0 जदी मैग्नीट्यूड चेंज होनी तो एक्सेलरेशन 0 डायरेक्शन तो चेंज हो नथला तो लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0 एबे देखंतु हेड जदी वेरिएबल माने हेड टा चेंज होती होउची विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हेड चेंज हेगला माने एबे जेमति पानी एतकी टंकी माने ये जो टंकी अछि आइरे एतकी पानी अछि आउ टिके परे पानी रो लेवल कम हेगला आउ टिके परे पानी रो लेवल आउरी कम हेगला आउ टिके परे पानी रो लेवल आउरी कम हेगला माने हेड टा डिक्रीज हे चलुची तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हे चलिबो ना ये पर्टिकुलर सेक्शन रे जदि हम देखिबा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हे जीवा कथा तो डिक्रीज हबो बट जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अछि सेटा तो कांस्टेंट ही रहइबो सो ये केस रे जदि हेड वेरिएबल हेबो मैग्नीट्यूड चेंज हेबो बट डायरेक्शन विल नॉट चेंज ओके तो मैग्नीट्यूड चेंज हवा जो को एक्सेलरेशन अगेन इफ हेड इज वेरिएबल एंड मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग देन लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू 0 इट एग्जिस्ट करियो बट लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0 ओनली ये केस रे भी क्लियर इजी मजा लागिला भल लागिला सो दिस इज द केस एटा हो जे जिंसो तो ये जिंसोटा मन रखि दिबे एबे सुनंतु मु आपन को टास्क दउची ये वीडियो तो मु एबे ही अपलोड कर देबी तो समस्त देखि नियंतु ऐप ऊपर भी अपलोड कर देबी YouTube रे भी अपलोड कर देबी संध्या रे जो क्लास हम स्टार्ट करियो से क्लास पई गोटे मु टास्क दउची ओके क्वेश्चन ये टास्क कंप्लीट करंतु बस सरी गला आपरे आउ ये केसेस आउ किछि नै लेट्स सपोज हम पाखरे गोटे टंकी अछि वी हैव ए टंकी एबे आइरे जो पाइप टा अछि नेकी ये पाइप टा अछि एमिति एबे देखंतु कर्व ये पाइप भी कर्व ओके केमिति कर्व ओनली ठीक अछि ये पाइप भी कर्व नाउ लेट्स सपोज ये सेंटर लाइन रो ये पाइप रो सेंटर लाइन रो जो हेड ऑफ वाटर अछि इन दिस पर्टिकुलर टैंक हेड ऑफ वाटर इन दिस पर्टिकुलर टैंक सुनंतु हेड ऑफ वाटर इन दिस पर्टिकुलर टैंक इज h इमेजिन ठीक अछि बट दिस पर्टिकुलर पाइप इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर एबे एते जिंस हम करिला परे ये जिंस आराम रे आपण फिलिंग द ब्लैंक करि परिबे ओके दिस पाइप इज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर ये पाइप टा होची नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर माने डायमीटर चेंज होची अलोंग द लेंथ ओके तो एबे देखंतु माय क्वेश्चन फर्स्ट कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन रे जदी देखिबा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जदी आइरा में देखिबा तो आइरे मते फर्स्ट कुहंतु कि व्हाट इज योर कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एंड व्हाट इज योर कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन को केस रे 0 हेबो को केस रे 0 हेबोनी ठीक अछि एटा फर्स्ट क्वेश्चन हेगला सेकंड केस आइरे ही कोन देखंतु लोकल और टेम्पोरल तो लोकल और टेम्पोरल रे दुईटा केस आसी जिवो अगेन कोन हेड इज कांस्टेंट फर्स्ट h इज कांस्टेंट H is constant. Second, H is variable. H is variable. So head constant, head variable. आइए देखो तो हेड कांस्टेंट रे फर्स्ट लोकल टेंजेंशियल कौन है वो, सेकंड लोकल नॉर्मल कौन है वो, लोकल नॉर्मल माने जीरो और नॉट जीरो एतकी ही कोई बार अच्छी सेतकी ही पचारीबे। आइ रे भी फर्स्ट लोकल टेंजेंशियल, लोकल टेंजेंशियल कौन है वो, सेकंड लोकल नॉर्मल कौन है वो। ये सब जो जिनस गुड़ा को पढ़े लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रे स्टेटमेंट बनै कर पचारि परंती फ्लूइड मेकानिक्स रे, ठीक अछि। तो आपन को एडा फिलिंग द ब्लैंक करियार अछि माने कोटा जीरो हेबो, ये फर्स्ट क्वेश्चन रे टेंजेंशियल कन्वेक्टिव टेंजेंशियल जीरो हेबो ना कन्वेक्टिव नॉर्मल जीरो हेबो, कोटा जीरो हेबो नहीं। सेकंड केस रे सिमिलरली लोकल टेंपोरल एक्सेलरेशन रे इफ हेड इज कांस्टेंट एंड हेड इज वेरिएबल, तो इन केस ऑफ कांस्टेंट हेड लोकल टेंजेंशियल जीरो है वो ना है वो नहीं, इन केस ऑफ वेरिएबल हेड लोकल टेंजेंशियल जीरो है वो नहीं है वो, जीरो है वो ना है वो नहीं। ए फिलिंग द ब्लैंक करियार अछि। ओके, सो इफ यू कंप्लीट दिस बस सरीला आपन फ्लूइड काइनेमेटिक्स सरी गला। तापर आउ किछि भी जिंसो नाही, जस्ट हमकु टिके से कोन पढिया पडियो एंगुलर वेलोसिटी ये सब मु किछि किछि इक्वेशन लिखैबी। ओके, पोटेंशियल फंक्शन इक्विस्ट्रीम फंक्शन ये सब रो किछि किछि लिखैबी, बस सरी जिवो। आज रो क्लास रे फ्लूइड काइनेमेटिक्स संध्या रे लाइव क्लास रे कंप्लीट हे जिवो। तापर जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करिया विच इज अगेन वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर, वेरी बेसिक चैप्टर, वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स भितर हम सब जिंसो पढिवा जा टू जो पोर्शन रो लास्ट एग्जाम रे भी बहुत गुडा क्वेश्चन आसीथला लाइक वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर, फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, वीआर नॉचेस, ये सब जिंसो हमकु पढिवार अछि जो कि अपकमिंग। ओके, आउ से जिनसो सिखिवा पय हमको फ्लूइड डायनामिक्स सिखिवा को पड़ियो व्हिच इज योर नेक्स्ट चैप्टर। सो जो भाई बहनी मान को क्लास रे जॉइन करियार अछंती जॉइन करंतु, ये 2 डेज पय स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चलिथिला। ओके, सो एमती नाही कि आउ डिस्काउंट ऑफर आसीवनी 26 जनवरी पय आसीवो। ओके, इफ यू वांट टू जॉइन यू कैन जॉइन अस फॉर नाउ। प्रिपरेशन करियार अछि तो स्टार्ट करंतु, डोंट बी लेट। ऑल द बेस्ट, जय जगन्नाथ, थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।